तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हो या फिर अपने घर को रेनोवेट करवाने जा रहे हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेनाइट डोर फ्रेम के बारे में। हम यहाँ जानेंगे कि ग्रेनाइट डोर फ्रेम लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चल के हमको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ग्रेनाइट फ्रेम लगाने जाओ तो उससे पहले आप जिस जगह पर ग्रेनाइट फ्रेम लगाने वाले हो उस जगह पर आपको सीमेंट और सैंड की स्लरी बनाकर एक दो दिन पहले ही उस जगह पर अप्लाई कर देना है जहाँ पर आप ग्रेनाइट लगाना चाहते हो। ताकि क्या है, जब आप ग्रेनाइट लगाओ तो ग्रेनाइट और दीवार के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। इसीलिए आपको यह तरीका जरूर यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका ग्रेनाइट कभी भी दीवार से अलग नहीं होगा, कभी भी उसमें क्रैक नहीं पड़ेंगे। वरना क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब हमारा दरवाजा हवा से आगे पीछे होता है और ग्रेनाइट में लड़ता है, अचानक से बंद होता है, तो क्या है, हमारा फ्रेम जो है वहाँ पर क्रैक पड़ने लगती है दीवार के बीच में, तो हमारा फ्रेम निकलने लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यह तरीका जरूर यूज करें। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हम ग्रेनाइट कटिंग किया है फ्रेम में लगाने के लिए, उसके पीछे हमको क्या करना है, जो सैंड फिल्टर करने के बाद जो ग्रेवल्स बचता है उस ग्रेवल को क्या करेंगे, हम एरल्डाइट के मदद से उस ग्रेवल को ग्रेनाइट के पीछे लगाएंगे, चिपकाएंगे। जब हम ग्रेनाइट को दीवार से चिपकाने जाएं तो आपको पता ही होगा ग्रेनाइट के पीछे भी एकदम फिनिश सरफेस होता है, तो उसको हम रफ सरफेस बनाने के लिए सैंड के ग्रेवल्स को चिपका देते हैं एरल्डाइट की मदद से। ताकि क्या है, हमारा ग्रेनाइट दीवार के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बना सके। अब क्या होगा दोस्तों, जब आप ग्रेनाइट लगाओ तो किसी भी अच्छी कंपनी का टाइल्स एडेसिव केमिकल जरूर ले लेना, उसके साथ ही आप ग्रेनाइट को दीवार में लगाना, फ्रेम में लगाना। क्योंकि क्या है, जब आप किसी सीमेंट से लगाओगे तो आपका जो फ्रेम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जल्दी निकल जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी अच्छी कंपनी का टाइल्स एडेसिव केमिकल के साथ में ही ग्रेनाइट फ्रेम को लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी क्वालिटी वाइज काम भी होगा और आपका फ्रेम जल्दी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि केमिकल जल्दी बॉन्डिंग बनाता है सीमेंट के कंपैरिजन में। उसके बाद फ्रेम लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके फ्रेम के ऊपर 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू 2 टाइम पानी जरूर छाटना है। उससे क्या होता है, जो हमारा केमिकल होता है उसमें क्या होता है, सीमेंट पार्ट होता है तो उसको सेट होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप 3-4 दिन तक जब फ्रेम के ऊपर पानी छाटोगे तो जो आपका केमिकल है वो अच्छे से पकड़ बना लेगा, मतलब बॉन्डिंग बना लेगा, तो जल्दी क्रैक नहीं आएगा, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, बहुत दिन तक चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर के फ्रेम को लगाओ तो क्या है, आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और जल्दी आपका फ्रेम भी नहीं निकलेगा। वरना क्या होगा दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपने पानी नहीं छाटा तो आपके दीवार और ग्रेनाइट के बीच में क्रैक आएंगे और आपका दरवाजा भी निकल सकता है वहां से। तो इस चीज के बचने के लिए आप उसको पानी जरूर छाटें, उसको अच्छे से सेट होने दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।